अगर आपका कोई शॉप है तो आपके पास एक क्यूआर कोड होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल डिजिटल पेमेंट हो रहा है। हर एक ग्राहक चाहता है कि हम अपना फोन पे गूगल पे से ही पेमेंट करें। तो चलिए आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे कि एक क्यूआर कोड मंगवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, यहाँ आपको टाइप करना है फोन पे फॉर बिजनेस, उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद इसको यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ से इसको परमिशन देंगे, यहाँ से पर यस पे क्लिक करेंगे, यहाँ अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जिस मोबाइल नंबर से आप फ़ोन पे चलाते हैं उसी मोबाइल नंबर को यहाँ डालेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ लाके छोड़ेगा, आप इसको परमिशन देंगे, अलाउ करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा, यहाँ से अपना हिस्ट्री देख सकते हैं किस कौन कौन आपको फ़ोन पे में पेमेंट किया है। यहाँ से अपना स्टोर को अपग्रेड कर सकते हैं, यहाँ से उसका दुकान का नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फ़ोटो उसमें लगा सकते हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ होम में आएंगे, यहाँ से हम मैनेज स्टाफ पे क्लिक करके अब स्टाफ मैनेज कर सकते हैं। शेयर स्टोर पे क्लिक करके किसी को भी स्टोर शेयर कर सकते हैं, स्टोर को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ शो क्यूआर पे क्लिक करके आप यहाँ अपना क्यूआर देख सकते हैं, इसको भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हमको फिजिकली मंगाना है तो उसके लिए हम इसको कट करेंगे। यहाँ प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका KYC देखिए, KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ बिजनेस डिटेल्स पे क्लिक करके अपना बिजनेस का डिटेल्स देख सकते हैं, मेरा कौन सा अकाउंट इसमें लिंक किया हुआ है। देखिए स्टेट बैंक का अकाउंट लिंक किया हुआ है, मेरा जो भी फ़ोनपे में पेमेंट करेगा वो मेरा स्टेट बैंक का अकाउंट में भी पैसा आएगा। हम इसको बैक करेंगे, यहाँ से मैनेज QR पे क्लिक करके हम यहाँ से अपना QR मंगा सकते हैं। रिक्वेस्ट मोर QR कोड पे इसकी क्लिक करेंगे, यहाँ आपका दुकान का नाम आ जाएगा, यहाँ आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, यहाँ आपका बिल्डिंग का नेम या बिल्डिंग नंबर आ जाएगा, यहाँ से आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, एड्रेस आएगा, यहाँ पिन कोड आएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगा, स्टेट आएगा। उसके बाद रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ बोला जा रहा है क्या आप फिजिकल QR के लिए रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं, इसी एड्रेस पे मंगाना चाहते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका इसी एड्रेस पे ये आएगा, योर QR रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल हो चुका है, आपको ये 3 से 4 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।